जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अपनी सीरीज चल रही है और आज हम आपके सेकंड बुक के और फर्स्ट बुक के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। आप भी मेरा साथ दीजिएगा और ध्यानपूर्वक प्रश्नों को समझते हुए उत्तर दीजिएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न है कि संयुक्त राज्य संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, राज्य लिखा हुआ है, संयुक्त राज्य संघ की या संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने हैं, 19 अगस्त 1947, 24 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1945 या इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका सही आंसर? बिल्कुल सही, 24 अक्टूबर 1945 को UNO संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वो हुई। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, कितने अंग हैं? 2, 3, 6, 8, कितने अंग हैं? 6। ध्यान रखिएगा UNO के मुख्य जो अंग हैं वो कितने हैं, बॉडी उसकी 6। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 नवंबर 1994, बहुत प्यारा प्रश्न, गौर से समझिएगा, से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है, यानी उसकी अब वो कार्य है वो नहीं करता है वो अंग। 1 नवंबर 1994 से 4 अंग आपके सामने लिखे हुए हैं, कौन सा होगा सही आंसर, गौर कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न और वो है न्यासिता परिषद, न्यासिता परिषद। अगला प्रश्न देखिएगा, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन आपके प्लस टू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके बाद अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भाग लेंगे तो उसके लिए भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान है वो क्या कहलाता है, मुखिया है वो क्या कहलाता है, सचिव, महासचिव, अध्यक्ष या मंत्री, क्या कहलाता है? बहुत अच्छी बात, महासचिव, बहुत सबसे जो प्रचलित पोस्ट है, जो चर्चित पोस्ट है उसका नाम है महासचिव। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, UNO के प्रथम महासचिव? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है भी कौन से हैं। बिल्कुल सही, ट्राइगव ली इसके UNO के पहले महासचिव हैं, वो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब हुई, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? 4 सन आपके सामने दिए गए हैं और आपको ये बताना है भी सही सन कौन सा है। तो इसकी स्थापना हुई 1957 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा कि वर्तमान में UNO के कितने सदस्य हैं, कितने देश हैं वो इसके मेंबर हैं, वो बन चुके हैं? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, बताइएगा कितने हैं। 193, बिल्कुल सही, 193। बहुत अच्छा, बच्चे खूब भाग ले रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है और आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने राष्ट्रों ने 1945 में UNO के मूल चार्टर पर हस्ताक्षर किए? प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न चाहे कैसे भी आ जाए भी, UNO के जो मूल सदस्य हैं वो कितने थे या मूल चार्टर पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, सही आंसर बताना है कौन सा होगा। तो सही आंसर है 51। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम क्या रहा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1971 की लड़ाई हुई उसका रिजल्ट क्या रहा? ऑप्शन आपके सामने है, आपको सोचकर बताना है कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, बांग्लादेश का उदय 16 दिसंबर 1971 को एक नए राष्ट्र जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में जन्म लेता है। तो बांग्लादेश का निर्माण होता है, उदय होता है और इसके निर्माण में भारत का बड़ा रोल था। अगला प्रश्न है, दक्षेस यानी सारक का इन देशों में से कौन सदस्य है वो नहीं है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं भी, नेपाल, मॉरिशस, बांग्लादेश, भूटान, कौन सा इसका सदस्य है वो नहीं है? सही आंसर है मॉरिशस इसका मेंबर है वो नहीं है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान है वो इसके मेंबर है। इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखिएगा, क्या निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है?
तो इस बार दिए मालदीव, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, कौन सा मेंबर है वो नहीं है। तो बिल्कुल सही, म्यांमार, म्यांमार है वो इसका मेंबर है, वो नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है कि ताशकंद समझौते का संबंध जिससे है वो है, ताशकंद समझौते का संबंध किससे है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 से, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, भारत चीन युद्ध 1962, या भारत बांग्लादेश जो समझौता हुआ उस पर, उससे संबंधित है। बहुत प्यारा प्रश्न है, और उस टाइम हमारे, आपको हिंट दे देता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद में समझौता होता है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और वहीं पर शास्त्री जी की मृत्यु है, वो होती है। अगला प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर जो क्षेत्र है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र जिनके बीच तनाव का कारण है वो है, ये सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है दो देशों में, आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको ये बताना है भी ये विवाद किन दो देशों के बीच है। बिल्कुल सही, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रायोजन उद्देश्य क्या था, भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तमिलों के विरुद्ध भारत का युद्ध, श्रीलंका का विभाजन करने का भारत का इरादा, सिंहली और तमिलों के बीच जाति विषयक जो संघर्ष था उसको समाप्त करना, और तमिल मिलिटेंट ग्रुपों का वैधिकरण करना, कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल सही, तीसरा, सिंहली और तमिलों के बीच जो जाति विषयक संघर्ष था उसको समाप्त करना ही भारत और श्रीलंका के समझौते का मुख्य उद्देश्य था, प्रयोजन था। उसके बाद है एक और विवाद, सर क्रिक विवाद, सर क्रिक विवाद, इधर गुजरात वाली साइड में सर क्रिक विवाद है, वो किन दो देशों के मध्य है, आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, बताना है भी ये विवाद किन दो देशों के बीच है, सर क्रिक विवाद। बिल्कुल सही, भारत और पाकिस्तान के बीच, ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद है, ग्लेशियर को लेकर भी है, सर क्रिक विवाद भी है, सिंधु जल जो समझौता है वो भी इन्हीं देशों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से किस दक्षिणी एशियाई देश में सैनिक शासन सर्वप्रथम स्थापित हुआ था, सबसे पहले सैनिक शासन है वो इन चारों में से किन देश में सबसे पहले स्थापित हुआ, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान। बिल्कुल सही, पाकिस्तान में सबसे पहले सैन्य शासन स्थापित हुआ था, यानी लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर वहां पर सैनिक जो शासन है, आर्मी का शासन है, वो स्थापित हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस वर्ष बांग्लादेश आज़ाद हुआ, प्रश्न वही घूम फिर के आते रहते हैं, बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ। तो देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई हुई थी, याद कीजिए 1971 वाली लड़ाई, और उसका परिणाम क्या था, बांग्लादेश का निर्माण, तो कब हुआ, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1971, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म होता है, यानी पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बनता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सिंधु जल बंटवारे का को लेकर किस देश के साथ विवाद रहा है, तो भारत और पाकिस्तान है या श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, अभी भारत का किसके साथ विवाद रहा है ये बताना है। बिल्कुल सही, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल बंटवारे का विवाद रहा है, सर क्रिक विवाद रहा है, ग्लेशियर का विवाद है वो रहा है। तो एक तरीके से आपके ये प्रश्न भी तैयार हो रहा है भी भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद के कारण क्या क्या हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, क्या निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, यानी साफ्टा जिसको कहते हैं, दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिसे शॉर्टकट इंग्लिश में कहा जाता है साफ्टा, इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए, 1947, 94, 2004, 2006, ये बताना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, साफ्टा का जो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट जो बनाया था उसके ऊपर ये 2002 में ये ड्राफ्ट तैयार हो गया था, जिसके ऊपर जो हस्ताक्षर हैं वो किस वर्ष हुए। बिल्कुल सही, 2004 में इसके ऊपर हस्ताक्षर हैं वो हो गए थे, और 2006 में ये लागू हो गया था। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विघटन है वो कब हुआ, सोवियत संघ है वो 15 देशों के अंदर टूट गया था, कब टूटा ये बताना है आपको, बताइए 90, 91, 92, 93 क्या है। बहुत प्यारे प्रश्न हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो। 1991 में
सोवियत संघ टूट जाता है और एक तरीके से शीत युद्ध का दौर है वो समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई? रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो किस वर्ष हुई? 5 में, 11 में, 17 में, 29 में, ये बताना है आपको। कब हुई रूसी क्रांति? 1917 में, बिल्कुल सही। बहुत इंजॉय कर रहे हो आप सब बच्चे, अच्छा भी लगता है जब इस प्रकार से आंसर आते हैं। सोवियत संघ में, अगला प्रश्न देखिएगा, सोवियत संघ में किस हिंदी फिल्म हस्ती को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है? सोवियत संघ यूएसएसआर में किस हिंदी फिल्म हस्ती को सबसे ज्यादा पसंद किया गया? यह 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा गया है, अशोक कुमार, शम्मी कपूर, राज कपूर, रणवीर कपूर। रणवीर कपूर, इन चारों में से बताना है किसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया है, तो वो है राज कपूर। राज कपूर की फिल्में हैं वो खूब देखी जाती रही है सोवियत संघ में। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। चलिएगा अगला प्रश्न, 23वां, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विभाजन का प्रतीक क्या रही है? बर्लिन की दीवार, चीन की दीवार, शॉक थेरेपी या उपरोक्त सभी? बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समझ के दीजिएगा, कहीं ये नहीं हो भी उपरोक्त सभी ऑप्शन देख लिया और इसको टिक कर दिया। प्रश्न समझना जरूरी होता है क्योंकि स्कूल के बच्चों की अक्सर ये आदत होती है, जिस प्रश्न का ऑप्शन उपरोक्त सभी होता है क्या वो लगा देना चाहिए बिना सोचे समझे, ये हमेशा सत्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक, बिल्कुल सही, बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, लास्ट सोवियत संघ के, क्योंकि उसके बाद उसका विघटन हो गया था 15 देशों में और फिर रूस सबसे बड़ा देश है वो बनता है, लेकिन सोवियत संघ नाम से जो देश था उसका अंतिम राष्ट्रपति कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, थोड़ा सा सोच के अच्छे से जवाब दीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव है वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। बहुत प्यारा प्रश्न है, सारे प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं। कंसेप्ट को समझने में भी इन प्रश्नों का बहुत बड़ा रोल है, वो रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखिएगा कि रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित कब की थी? रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंतरता की घोषणा है वो कब की थी? फरवरी 90 में, जून 90 में, मार्च 90 में, अगस्त 90 में। अब एक तो ये हो गया भी 1990 में ही घोषणा हुई, अब दिक्कत ये है भी महीना आपको ध्यान में रखना है इस प्रकार के प्रश्नों में। तो सही आंसर कौन सा है? जून 1990 में। जून 1990 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, शोक थेरेपी, शोक थेरेपी अपनाई गई थी, शोक थेरेपी यानी चोट पहुंचाकर, आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना, यानी सीधी सी बात है कि थप्पड़ मारकर पुचकारना, ये नीति कहलाती है शोक थेरेपी। सोवियत संघ टूट गया, अब वहां पर साम्यवाद की जगह पूंजीवादी सिस्टम को लेकर आना था, अर्थव्यवस्था बदलनी थी, उसको बदलने की जो ये पॉलिसी थी वो शोक थेरेपी थी। ये कब अपनाई गई? बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही, 1990 में शोक थेरेपी कब अपनाई गई थी? 1990 में सोवियत संघ के जो देश थे जो विघटित होकर बने वहां पर अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर पोलैंड ने हस्ताक्षर है वो कब किए थे, ये बताना है आपको। देखिएगा, 26 जून 1945 की, या 15 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 या 30 अक्टूबर 1945? बहुत प्यारा प्रश्न है, यूएनओ चार्टर के ऊपर पोलैंड ने हस्ताक्षर कब किए? तो देखिएगा, आपको पता है इसके जो प्रारंभिक जो सदस्य देश थे वो 51 थे, इनमें से 50 सदस्यों ने जो हस्ताक्षर है वो कब किए थे? 26 जून 1945 को किए थे, और 51वां देश था पोलैंड, और इसने हस्ताक्षर किए 15 अक्टूबर 1945। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। और 24 अक्टूबर 1945 की बात करें तो यूएनओ की स्थापना हो गई थी, और यूएनओ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। उसके बाद यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि भारत यूएनओ का मेंबर कब बना? भारत ने इस चार्टर के ऊपर हस्ताक्षर कब किए? ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो तारीख है 30 अक्टूबर
45 की, भी भारत यूएनओ का मेंबर कब बना, 30 अक्टूबर 1945। तो देखिए चार ऑप्शन है, 50 सदस्य देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए 26 जून को, पोलैंड बाद में हस्ताक्षर किए कुछ दिनों बाद 15 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर यूएनओ की स्थापना हो गई, 30 अक्टूबर 1945 को ही, ध्यान दीजिए सन भी ध्यान रखिएगा, भारत है वो यूएनओ का मेंबर हो गया था। तो इस प्रकार से एक प्रश्न में कई प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ये थे आज के अपने 27 इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप सबका परिणाम अच्छा रहा होगा। अब आप अपना नाम या स्कूल का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर अपने मार्क्स हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी एंड ही समझिएगा, और हम बहुत जल्द आगे की प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे, और इस टेलीग्राम चैनल की भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। हालांकि अभी भी बहुत अच्छे से बच्चे इस चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्विज आती है, वीडियो लिंक वगैरह इस पर शेयर हो जाते हैं, और आगे भी इस पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप इसके मेंबर हैं वो बन सकते हो, बस प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद सर्च कीजिए सिद्धिविनायक संगरिया और ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे ज़रूर लाभान्वित हो रहे होंगे। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है मुझे, पढ़ता ज़रूर हूँ आपके कमेंट, और जहाँ ज़रूरी होता है रिप्लाई भी करता हूँ, और यही मेरा उद्देश्य रहता है, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जिसे हम अचीव करके रहेंगे। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, हारने का मतलब ही नहीं है। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।